Let's do question number 18th of exercise 2C, that is polynomial. Question number 18th is, the sum of the zeros and the product of the zeros of a quadratic polynomial are. Friends, वो कह रहा है sum of the zeros का मतलब होता है alpha plus beta, उसकी value दे रखी है minus 1 upon 2, और product of zeros का मतलब होता है alpha beta, उसकी value दे रखी है minus 3, और हमें polynomial बनाना है. तो polynomial क्या होता था? पॉलीनोमियल बनता था हमारा एफ एक्स जो बनता था वो बनता था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा. ये हमारी पॉलीनोमियल होती थी. तो इसकी जगह इसकी वैल्यू रख देंगे माइनस वन अपॉन टू एक्स प्लस माइनस थ्री. अगर हमने ओपन किया ब्रैकेट तो ये आया एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू एक्स माइनस थ्री. अब हमें पता है एफ एक्स जीरो के इक्वल होता है, तो हम इसका ये नीचे का 2 हटाने के लिए इसको एफ एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे. एक्सप्रेशन बन जाए जिससे कि विदाउट डिनोमिनेटर वाली. तो हमने यहाँ क्या किया, 2 से एलसीएम लिया, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स, 1 इंटू एक्स इज एक्स माइनस 3 टू ज 6 इक्वल्स टू 0. ये 2 इधर चला गया राइट. तो ये बन गई एक्सप्रेशन 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0 इज द आंसर. Thank you. If you understand the step-by-step solution of this video, please subscribe my channel on Maths and share it with your friends. Thank you.